अनुसूचित जात जनजाति के साथ जो अन्याय करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जब यह कानून नहीं बनाया गया था उस कानून के पहले हमारे अनुसूचित जात जनजाति महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार होते थे, सामूहिक हत्याएं होती थी, सामूहिक गांव के गांव फूंक दिए जाते थे, उनके साथ शोषण होता था, कोई सुनने वाला नहीं होता था। भाइयों बहनों उस समय लोकसभा में अनुसूचित जात और जनजाति के लिए एक कानून बनाई गई और उस कानून के तहत लोगों को पाबंद किया गया कि अनुसूचित जाति के साथ यदि कोई अन्याय करता है तो इस कानून के दायरे में लाकर उसको दंडित किया जाएगा, उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। यह कानून बनाया गया था लेकिन उस कानून के खिलाफ लोगों ने रीट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने में जाकर रीट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में रीट करने के बाद रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया। पूरे भारत में 2 अप्रैल को भारत बंद कर दिया। भारत बंद को लेकर के पूरे देश में हमारे अनुसूचित जात जनजाति के लोग महिलाएं शांतिपूर्ण ढंग से वो अपना आंदोलन कर रहे थे लेकिन उस आंदोलन के दौरान कुछ अराजक तत्व जो लोग आरक्षण और संविधान और अपने हक के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने कानून के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि उस कानून को पुनः लागू कराया जाए और उस कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से हमारे अनुसूचित जात जनजाति के लोग जो आंदोलन कर रहे थे उस आंदोलन में अराजक तत्वों ने दिमाग को डाइवर्ट कराने के लिए, दिमाग को हटाने के लिए अराजक तत्वों ने हमारे अनुसूचित जात जनजाति पर खूनी क्रांति करा दी। तमाम हमारा अनुसूचित जात शहीद हो गए और अनुसूचित जात शहीद होने के बाद जो हमारा समाज अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था उन्हीं के खिलाफ घर में छापा डाल डाल करके फर्जी तरीके से मुकदमा में फंसा करके जेल में डाल करके उस हमारे अनुसूचित जात को लोग बर्बाद करना चाहते हैं। मैं तो कहना चाहती हूँ भाइयों बहनों कि हम कहाँ जाएं, हम किससे जाएं अपनी बात कहने के लिए, हमको न्याय कौन देगा, हम लड़ाई किससे लड़े, हम सड़क पर उतरेंगे तो भी हमको नहीं बख्शा जा रहा है, हम कहीं और जाते हैं हमको न्याय नहीं मिल रहा है, हम सांसद हैं लेकिन सांसद होने के बावजूद हमको भारत का सांसद नहीं कहा जाता, हमको दलित सांसद कहा जाता। आज भारत में राष्ट्रपति है, आज भारत के राष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति नहीं कहा जाता, उनको भी दलित राष्ट्रपति कहा जाता और दलित राष्ट्रपति के नाम से संबोधित किया जाता है। यह हमारे अनुसूचित जाति का अपमान है, यह हमारे अनुसूचित जाति के साथ अन्याय है, यह संविधान का उल्लंघन है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं भाइयों बहनों कि जो घटना हुआ है और जिसके कारण हुआ है अगर वो व्यक्ति अनुसूचित जाति का विरोधी, जनजाति का विरोधी, बहुजन समाज का विरोधी अगर वो रीट पिटीशन नहीं किया होता तो हमारे दलित समाज को सड़कों पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ती और आज जरूरत पड़ी सड़कों पर उतरने का और जो हमारे भाई शहीद हुए हैं आज उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं, आज उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजने की जो भेजा जा रहा है, अगर इस जो अन्याय हमारे समाज के साथ हो रहा है उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो रीट पिटीशन करने वाला वो बेईमान है, अगर वो नहीं चाहता तो हमारे समाज के साथ ऐसी स्थिति में उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं तो कहती हूं कि जो सरकार की क्षति हुई है, जो दलित समाज की क्षति हुई है, जो बहुजन समाज की क्षति हुई है और क्षति करने वाला व्यक्ति, कानून के खिलाफ जाने वाला व्यक्ति, उसके खिलाफ रासुका का मुकदमा लगना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, जिसे किसी की हिम्मत ना जुटा पाए कि बहुजन समाज के ऊपर कभी आंख उठा करके उस कानून के साथ खिलवाड़ कर सके। इसलिए मैं मांग करती हूँ सरकार से और मैं भी सरकार से मांग करती हूँ कि लोकसभा में इस मैं मांग करती हूँ लोकसभा में कि इसके लिए पुनः लोकसभा में चर्चा कराकर और पुनः कानून बनाया जाए
और कानून बना करके उस कानून को लागू करा दिया जाए जिसे पूरे देश का बहुजन सीना तान करके चल सके। और जब तक हमारे समाज के साथ में व्यक्ति खड़ा नहीं होगा तब तक हम क्या मानेंगे। हमको करना चाहिए और इसके लिए मैं सरकार से कहूंगी और लोकसभा में मैं चर्चा की मांग भी करूंगी कि पुनः लोकसभा में चर्चा कराई जाए और इसके लिए कानून बनाई जाए। यह मैं सरकार से मांग करती हूं।